अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 9 के आज पांचवें लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है आज, वो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। उनमें डेटा टाइप, फिर हम देखेंगे कि डेटा टाइप की कैटेगरीज क्या होती हैं, और आखिर पे हम बात करेंगे कि डेटा टाइप की फर्दर टोटल कितनी टाइप्स हैं। हम सबसे पहले आज की डिस्कशन वो करते हैं डेफिनेशन से। सो डेटा टाइप क्या चीज होती है? डेटा टाइप बेसिकली डिफाइन करती है सेट ऑफ वैल्यूज को और उसके ऊपर होने वाले जो ऑपरेशंस हैं। अब सिंपली यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, ये वेरिएबल की क्रिएशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने वेरिएबल बनाने होते हैं तो वहां पे हमें डेटा टाइप्स की जरूरत पेश आती है। और वेरिएबल क्या चीज होती है, ये इसी चैप्टर में थर्ड लेक्चर है, वहां से आप आसानी इसको देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सो डेटा टाइप बेसिकली उन वेरिएबल्स के ऊपर सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ ऑपरेशंस और इसमें कौन सा डेटा स्टोर होगा, इसके मुतल्लिक अवेयरनेस देते हैं। अब जब डेटा टाइप्स बनाई जाती हैं तो वेरिएबल में किस तरह डेटा इनपुट दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होने के बाद क्या रिजल्ट बनता है, ये चीज भी डिफाइन करना ये डेटा टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंपली मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट बोलता हूं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। द डेटा एंड इट्स टाइप्स आर डिफाइंड बिफोर डिजाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। जब हमने एक प्रोग्राम लिखना होता है तो उसमें जो डेटा है और उसमें किस तरह के जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से क्लैरिफाई करनी पड़ती हैं। और इस मकसद के लिए मोस्टली हम डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा टाइप की फर्दर जो टाइप्स हैं उनके ऊपर, लेकिन इसको इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह आगे चल के एलैबोरेट भी करेंगे। डेटा टाइप्स जो हमने इस कोर्स में पढ़नी है उनमें इंट, ये न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होती है, ये न्यूमेरिक वैल्यू हमने यूजर से हासिल करनी हो वहां पे हम इसको इस्तेमाल किया करेंगे। इसके अलावा फ्लोट, ये रियल वैल्यूज के लिए या फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल की जाएगी डेटा टाइप। उसके बाद डबल, ये लार्ज रियल वैल्यूज या लार्ज फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और कैरेक्टर, ये कैरेक्टर वैल्यूज हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज की, जो डेटा टाइप्स के अंदर फर्दर हम डिस्टिंग्विश करते हैं। टोटल हमारे पास दो कैटेगरीज मौजूद हैं डेटा टाइप्स की। उनमें एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं और इसी को हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। ये क्या चीज होती है? अ डेटा टाइप दैट इज प्रीडिफाइंड इन द लैंग्वेज। वो डेटा टाइप जो लैंग्वेज में पहले से ही मौजूद होती है, पहले से ही डिफाइन होती है, हम उसे स्टैंडर्ड डेटा टाइप के नाम से, प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम से या प्राइमरी डेटा टाइप के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी मिसाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, ये सारी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। यूजर उनको डिफाइन करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो यूजर ने डिफाइन करनी होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द यूजर। These are also called as secondary data type. हम इन्हें secondary data type भी कहते हैं। जैसे union, structure, enum, वो आपके syllabus का हिस्सा as usual नहीं है, लेकिन आगे चल के further आप इनको जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास integer data type क्या चीज होती है। इंटीजर बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू को कहा जाता है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें डेसिबल पॉइंट नहीं होता, फ्रैक्शनल वैल्यूज इसमें अलाउ नहीं होती। जैसे 5 को 2 पे तकसीम करें तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू मौजूद होगी, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन इंटीजर डेटा टाइप। हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। इसमें प्लस और माइनस की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं।
अब इसमें एक चीज जो मैं आपके लिए यहां आसान कर देता हूं वो ये है कि इसमें माइनस साइन यानी नेगेटिव वैल्यूज और प्लस साइन यानी पॉजिटिव वैल्यूज ये सारी की सारी इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर हो जाती है, बट शर्त सिर्फ एक है कि इसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब होगा कि वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही हैं, आप उनको देख सकते हैं, जैसे 10, माइनस 15, माइनस 38, दीज आर द इंटीजर डेटा। अब हम सिंपली देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। एक टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप उसको देखें। हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, उनमें इंट, हमेशा याद रखिएगा जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें जरूरत पेश आती है कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड के बिना आप किसी सूरत में भी सी की प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। इंट हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इंटीजर को इंट लिखा करते हैं। सिर्फ तीन स्पेल आपने इकट्ठे लिखने हैं, आई एन और टी। ये क्या चीज होती है? ये कीवर्ड है जो इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट विदाउट फ्रैक्शन, इशारिया उसमें नहीं आना चाहिए। ये मेमोरी में 2 bytes जगह लेता है। 2 bytes का मतलब है इसकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है -2^15 और ये चलती है -2^15-1। मतलब सिंपली अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ये -3 to 7, 6, 8 इसकी रेंज स्टार्ट होती है और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 3 to 7, 6, 7। अगर मिनिमम रेंज से नीचे हो तो क्या होता है, मैक्सिमम रेंज से ऊपर हो तो क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी डेटा टाइप है वो है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट बेसिकली ये भी एक इंटीजर डेटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज ही को इस्तेमाल करते हैं, बट विदाउट फ्रैक्शन, और ये भी मेमोरी में 2 bytes जगह रिजर्व करता है। टेबल आपको बना हुआ नजर आ रहा है, वहां पे आप इसकी भी रेंज आसानी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग इंट की। लॉन्ग बेसिकली ये इंटीजर की एक ऐसी डेटा टाइप है जो लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेमोरी में ये 4 bytes जगह लेती है। 4 bytes जगह का मतलब है कि इसमें हमारे पास टोटल जो वैल्यू स्टोर करने के लिए एक बॉक्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर जगह मौजूद है वो 32 bits तक है, और हम इसमें जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज होती है वो -2147483648 से स्टार्ट होके 2147483647 तक इसकी रेंज है। एक ह्यूज अमाउंट के अंदर डेटा इसमें स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। अब उसके बाद अगर हम अनसाइंड इंटीजर की बात करें तो अनसाइंड का मतलब है कि इसमें साइंड वाली वैल्यू कोई भी आ नहीं सकती। सो साइंड वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि जो जिसके साथ साइन नहीं आता वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आमतौर पर यह भी मेमोरी में 2 bytes जगह अपने लिए रिजर्व करवाती है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 65536 तक चलती है, मतलब 2^16-1 ऑलमोस्ट इसकी मैक्सिमम रेंज है। इसके बाद अगर हम अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो ये भी बेसिकली एक लॉन्ग इंटीजर की डेटा टाइप है लेकिन अनसाइंड, मतलब उसमें कोई भी साइन नहीं आएगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज इसमें स्टोर की जा सकती हैं, और इसकी जो रेंज होती है मेमोरी में वो होती है 0 से ये स्टार्ट होती है एंड 4 to 94 967 295, ये इसकी रेंज है। मेमोरी में इसने 4 bytes जगह हासिल करनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी डेटा टाइप के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं इंटीजर डेटा टाइप की कुछ क्वालिटीज आपको बता देता हूं। इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ तब इस्तेमाल होगी जब आपने इंटीजर वैल्यूज को हासिल करना होगा। इंटीजर से मुराद हम पहले बात कर चुके कि उसमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के ऊपर। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें डेसिमल फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल वैल्यूज अलाउ होती हैं, जैसे 5.2, 2.5, 9.5, -100.0 या -100.5। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है बल्कि ये फ्लोटिंग डेटा टाइप्स हैं।
इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है, और रूल वही है कि माइनस साइन अगर किसी वैल्यू के साथ लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव साइन लिखा होगा, प्लस का साइन लिखा होगा, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर साइन नहीं लिखा हुआ तो हम उसे भी पॉजिटिव वैल्यू के नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स में हमारे पास फर्दर जो डेटा टाइप्स अवेलेबल है उसमें फ्लोट, डबल और लॉन्ग, ये तीन डेटा टाइप्स दस्तयाब हैं। अब वन आफ्टर वन हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट एक रियल वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए डेटा टाइप है। मेमोरी में ये 4 bytes जगह रिजर्व करती है। और याद रखिएगा, जब हम फ्लोट डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं तो इशारिया के बाद 6 decimal वैल्यूज स्टोर करने की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होती है। इसकी जो रेंज होती है वो 3.4 × 10⁻³⁸ से शुरू होके 3.4 × 10⁻³⁸ तक इसकी टोटल रेंज होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डबल की। डबल भी बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यूज को अलाउ करने के लिए, एक रियल वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, एक लार्ज वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप है। मेमोरी में ये 8 bytes रिजर्व करती है, और इशारिया के बाद 15 decimal वैल्यूज को स्टोर करने की इसके अंदर ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो स्टार्ट होती है 1.7 × 10⁸ और खत्म होती है 1.7 × 10⁻³⁸। ये इसकी रेंज होती है जिसके अंदर इसने वैल्यूज को डिस्प्ले करना होता है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये सबसे बड़ी डेटा टाइप होती है जो मेमोरी में 10 bytes तक रिजर्व करती है, और इशारिया के बाद इसमें भी 15 decimal वैल्यूज को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी डेटा टाइप के ऊपर, जो है करेक्टर डेटा टाइप, और मोस्टली ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डेटा टाइप भी कंसिडर होती है। ये करेक्टर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप है जो मेमोरी में सिर्फ 1 byte जगह कंज्यूम करती है। 1 byte का मतलब है मेमोरी में ये 8 bits तक वैल्यूज को स्टोर करने की ऑप्शन या अवेलेबिलिटी देती है। हमेशा याद रखिएगा, करेक्टर में लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। करेक्टर डेटा टाइप के जरिए से हम किसी भी लेटर को, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, हम किसी भी नंबर को 0 से लेकर 9 तक, हम किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कामा, उसके बाद फुल स्टॉप, या उसके अलावा हैश, डॉलर या इस तरह के स्पेशल सिंबल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। करेक्टर वैल्यू नॉर्मली, हमेशा याद रखिएगा, सिंगल कोट मार्क्स के अंदर लिखी जाती है। सिंगल कोटेशन मार्क्स हमें दोनों साइड्स पे लगाना होता है, और एक वैल्यू हम यहां पे रिजर्व कर सकते हैं। कीवर्ड आमतौर पे साइंड और अनसाइंड करेक्टर डेटा टाइप्स को अलाउ करते हैं, और हम इसके लिए आमतौर पे सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। साइंड करेक्टर जो होते हैं वो −128 से लेके 127 तक किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और जो अनसाइंड करेक्टर होते हैं वो 0 से लेके 255 तक किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मोस्टली इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स और पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, ये आमतौर पे पॉजिटिव नंबर्स को या पॉजिटिव वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं। हमने आज बात की थी डेटा टाइप्स की। फर्दर हमने डेटा टाइप्स की जो कैटेगरीज थी उनके ऊपर बात की थी, फिर उनको हमने कैटेगराइज किया था, फिर उन दोनों कैटेगरीज के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद फिर हमने बात की थी डेटा टाइप की फर्दर टाइप्स के ऊपर, फिर हमने इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर बात की थी और उसकी जितनी भी टाइप्स थी उनके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। हमने बात की थी फ्लोट डेटा टाइप क्या होती है और फ्लोट डेटा टाइप में कौन कौन सी फर्दर टाइप्स अवेलेबल हैं, हमने उसके ऊपर बात की थी, और आखिर पे हमने करेक्टर डेटा टाइप के ऊपर बात की थी, और हमने देखा था कि ये मेमोरी में कितनी जगह वो हासिल करती। आप एक दफा किताब से इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।